एक बार क्या हुआ कि एक खेडूत व्यक्ति था, किसान था, अच्छी जमीन थी, जायदाद थी, अच्छा था। देखो ये बुद्धि के प्रकार कैसे वो बताओ, सब ठीक थे, भक्ति भाव भी करता था सब। उसकी बीबी बीमार पड़ गई, उसकी बीबी बीमार पड़ी तो उसने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब आएंगे, विजिट मारेंगे, थोड़ी ज्यादा तकलीफ। डॉक्टर ने बोला आ जाऊंगा, मगर बहुत रात पड़ी है और विजिट मार रहा हूं तो पैसा तो देना पड़ेगा, एक बार आप आ तो जाओ। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर बोला देखो मैं चेक कर रहा हूं, प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस है, तो दवा ज्यादा जाएगी, इंजेक्शन भी लगेंगे, तो चार्ज वैसे होगा। डॉक्टर साहब आप चिंता मत करो, आपके 5-25 देने में मेरा कुछ लूट नहीं जाता है। आपको शायद पता नहीं मेरी 100 बीघा जमीन है, ये पूरी जमीन मेरी है, यहां से मेरे 2 बंगले हैं, मैं महीने में इतनी फसल उगा के कमाता हूं, घर के बाहर गाड़ी है, तो आप चिंता मत करो, आपका पैसा मैं क्यों नहीं दूंगा, मिल जाएगा, जो दवा लगे तो ट्रीटमेंट करो आप बस। डॉक्टर ने दवा दी, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, डॉक्टर ने बोला देखो इतना मैंने कर दिया, अब थोड़ा रिलीफ हो जाना चाहिए, और जो मेरा है वो आप दे दो, बहुत रात निकल के आया। डॉक्टर आप चिंता मत करो, आपका पैसा देना है वो मेरी गारंटी, मैं दूंगा ही दूंगा, भले आपके इलाज से ये जिए या मरे, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, रात बहुत हो चुकी है, आप शांति से घर जाओ, आपका पैसा आपको मिल जाएगा, मेरा वचन है, आपकी ट्रीटमेंट से वो जिए या मरे। डॉक्टर को भी विश्वास आ गया, नहीं बड़ा व्यक्ति लगता है, उसके पीछे कितने उसने एविडेंस रखे है कि नहीं जमीन है, ये है, ये है। ठीक है चलो बात। डॉक्टर चले गए वापस, डॉक्टर दूसरे दिन आए, गए, उसकी दवाई चालू थी, डॉक्टर को विश्वास हो गया कि नहीं आदमी देने वाला है। एक दिन क्या हुआ, वो औरत मर गई, औरत मर गई, 4 दिन के बाद डॉक्टर को पता चला कि वो जी नहीं, वो मरी। डॉक्टर ने सोचा चलो जो भी है, दवाई तो की, मरना तो अपने नसीब की बात, लेकिन कुछ बात नहीं, पैसा बाकी है, बहुत विजिट मारी थी, एक दिन शांति से जाऊंगा, सज्जन आदमी है, बैठ के बात करेंगे, थोड़ा आश्वासन दे देंगे, और बाद में धीरे से कह दूंगा कि वो थोड़ा बिल हुआ वो धीरे धीरे चुका दे। डॉक्टर भी गया, उसने डॉक्टर को देखा तो समझ गया कि नहीं अभी बिल की बात होगी, ठीक है चलो कैसे हो गया, इलाज तो अपना अच्छा चलता था, सब बातें हुई, हमने तो हमारी हिसाब से दवा की, अब तो परमात्मा जाने, सब बातें हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा तो ठीक है मैं जाता हूँ, वो आदमी कुछ बोला नहीं, डॉक्टर ने कहा मैं जाता हूँ, ये बिल है, ऐसा नहीं है कि आज का आज चुकाना है, कभी भी धीरे धीरे चुका देना, 10,000 का बिल। तो वो आदमी क्या बोला, बुद्धि, उसने क्या कहा, बिल कैसा और बात कैसी। डॉक्टर बोले रहे यार ऐसी कैसी बात करते हो, आपने कमिटमेंट किया था, हाँ मुझे याद है ना, तो बोले आपने कमिटमेंट किया था ना कि तेरे इलाज से या जिए या मरे पैसा दे दूंगा, हाँ तो बोला था ना, मैंने कहा बोल कि तेरे इलाज से ये जिए या मरे पैसा तुझे मिल जाए, हाँ तो फिर पैसा तो देना चाहिए, बराबर है, मैं कहा ना कहता हूं, लेकिन मेरी एक बात बता, तेरे इलाज से जी क्या, पहले तूने जो इलाज किया उसमें जी नहीं मर गई, तो तेरे इलाज से मर गई क्या, ये तूने मार दिया क्या, नहीं मैंने कहा मारा, तो नहीं तूने जिला है, नहीं तूने मारा तो पैसा कैसा बात कैसी चल निकल, ये देखो तेरे इलाज से जी का देख फैक्ट है, नहीं जी, नहीं जी तो तूने मारी क्या, तू स्वीकार करता है कि मेरे इलाज से मर गई, तो मैंने कहा मारी, तो तूने मारी ही नहीं, तूने जिला ही नहीं, तो पैसा कैसा बात कैसे चल, फुट आना नहीं वापस दोबारा इस गली में। बाद में उसने भी बोल दिया तेरी गली में न रखेंगे कदम आज के बाद। इतने सब होने के बाद, इतना वैभव होने के बाद, जब हम ऐसी तमोगुणी व्यक्तित्व की भावना रखते हैं, तब निश्चित हमारे जीवन में दुष्कर्म बन जाते हैं। आज नहीं भोगोगे, कल तो भुगतना